नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विजेज जो हम देख रहे हैं लगातार कंटिन्यू कर लेते हैं उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियो जितने भी हो गए हैं देख लीजिए, नीचे प्लेलिस्ट में भी है, हमने आपको कई बार वैसे भी बताया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन से अगर हम स्टार्ट करें तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, ठीक है। तो देखिए, जो गोलकुंडा में इस समय जो ये मतलब बीजापुर का जो एरिया था, तो यहाँ पे जो रूलर उस समय शासन कर रहा था ये कुली कुतुब शाह, ठीक है। तो इनके साथ ये युद्ध है, यहाँ से डी ऑप्शन को चूज करेंगे। 1520 का ये बैटल ऑफ रायचूर भी इसको कहते हैं, तो डी ऑप्शन को चूज करेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अभी जो 2021 में सॉरी 22 के जो पद्म अवार्ड्स अनाउंस हुए थे तो इसमें जो है चार लोगों को ये पद्म विभूषण मिला था ना, तो उसमें से कल्याण सिंह जी को भी मिला था, ठीक। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुगल शासकों के मकबरे के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए अकबर का मकबरा जो है ये यहाँ पे आगरा में है, ठीक, ये गलत दिया हुआ है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो रामकृष्ण मिशन जो है फाउंड हुआ था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कलकत्ता में 1897 में, ठीक, यहाँ पे 93 दे रखा है इसलिए गलत है ये। अब इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो ये मुंडा रिवेलियन है, ठीक है, मुंडा विद्रोह, ये जो है बिरसा मुंडा के द्वारा लीड किया गया था जो साउदर्न रांची का एरिया है, ठीक है, 1899 से 1900 के टाइम पीरियड में, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। फिर से देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो है अखिल भारतीय किसान सभा जो है ये 1925 नहीं 1936 में फाउंडेशन हुआ था सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक। फिर से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखिए हार्टोक कमेटी जो है ये इसमें लॉर्ड इरविन के द्वारा इसको अपॉइंट किया गया था, एक सर फिलिप जोसेफ हार्टॉक करके थे, 1929 में इसको अपॉइंट किया गया था। पर्पस इसका यह था कि जो भारत में उस समय की ग्रोथ ऑफ एजुकेशन थी, कह लीजिए स्पेशली प्राइमरी लेवल पे, उसके बारे में रिपोर्ट देना, तो इन्होंने 1929 में ही अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी, तो ये उससे संबंधित है, बी ऑप्शन को चूज करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी कि उनको अगर उनके पोस्ट से हटाना है तो ऐसा संकल्प जो है निम्न में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट है इसका राज्यसभा का, ठीक, उनको हटाने का जो रेजोल्यूशन है उसको यहीं से प्रपोज किया जा सकता है, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट के केस में होता है कि वो किसी भी हाउस से हो सकता है, बट यहाँ पे राज्यसभा। संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जो है इसको किस वर्ष में बनाया था, तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 323A ऐड किया गया था, ठीक है, जिसके अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि किस अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था, ठीक। और जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट बना है इसी आर्टिकल के अंतर्गत इसको बनाया गया है 1985 में। संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति, ठीक। आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियरली मेंशनड है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, तो यहां से ऑप्शन ए जो है इसको चूज करेंगे हम। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है कौन था, ठीक। तो देखिए जो है आज़ादी के पहले 2 सितंबर 1946 को यहाँ पे एक जो है इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई, तो उसमें जो है ये प्रेसिडेंट और मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्म हुई तो उसके प्रेसिडेंट उस समय के जो वायसराय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवल, ठीक है, ये थे, और उसमें उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया ये जवाहरलाल नेहरू को, ठीक, और डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर का भी जो पोस्ट है
ये भी इनके पास रहा। उसके बाद ये वैवल के बाद जो है माउंट बैटन आ जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से फिर बाद में जो है 47 में इंडिया को आज़ादी मिलती है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो जो यूनियन बजट प्रस्तुत होता है उसको बनाने का काम जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है केंद्र की, उसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक, इनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो चार लिखे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा दो डिपार्टमेंट और होते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में दीपम इसको पढ़ते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ये इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक। और अभी रिसेंटली एक और इसमें डिपार्टमेंट ऐड किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको किस मंत्रालय से, जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है, किस मंत्रालय से जो है हटा करके इसमें ऐड किया गया, जरा बताइए। तो पहले आपको बताया गया है ये भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या है उसको वृद्धि करने की शक्ति किसमें नहीं थे? तो ऐसा जो प्रावधान पार्लियामेंट हमारी कर सकती है, आपको याद होगा कि पिछले वर्ष हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस 31 थे, ठीक है, तो 3 जजेस को बढ़ाया गया था, तो अब कुल मिला के 33 हमारे पास जजेस हो गए हैं और एक चीफ जस्टिस, यानी कि कुल 34 की संख्या सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस की हो गई है, ठीक। तो यहाँ पे प्रावधान, ये जो शक्ति है संसद के द्वारा जो है की जा सकती है ऐसा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन है? ठीक, तो कस्टोडियन, इंटरप्रेटर, फाइनल इंटरप्रेटर, ये सब जो शब्द यूज होते हैं ये किसके लिए यूज होते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक, हमारे संविधान का संरक्षक है ये। सितंबर 2022 में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्रवाई मंच की बैठक यानी कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम जो है इसकी जो एनुअल मीटिंग है ये कहाँ पर हुई है? तो अभी जो है 21 से 23 सितंबर के बीच में ये पिट्सबर्ग यूएस में ये मीटिंग जो है हुई है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो है 18 सितंबर को सर्बिया में जो है ये बेलग्रेड में ये हुआ आपका विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, तो यहाँ पर ये कांस्य पदक जीते हैं ये बजरंग पूनिया जो है, ठीक। और इससे पहले अगर हम बात करें तो 2018, 13 और 2019 में भी ये जो है मेडल्स जीत चुके हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, या फिर इसको जो है वर्ल्ड पीस डे भी कहा जाता है, तो ये कब मनाया गया? तो ये मनाते हैं 21 सितंबर को। नवंबर 2022 में किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर यानी कि जो चांद का इनका रोवर है, जैसे इंडिया ने वो भेजा था ना चंद्रयान 2, ठीक है, तो उसी प्रकार का एक मिशन जो है इसका नाम है राशिद रोवर, ठीक है, जो वो लैंड, चंद्रमा की जो सरफेस है वहां पे वो लैंड करेगा, तो इसको लॉन्च करने की जो है घोषणा की है, तो ये देश है आपका यूएई, नाम ध्यान से याद रखिएगा, राशिद रोवर नाम है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए CM द हैसी, ठीक है, ये एक वेब पोर्टल है इसको लॉन्च किया है, तो नाम देख लीजिएगा CM द हैसी, बेसिकली मणिपुर में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं N बीरेन सिंह, ठीक है, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है, तो यहाँ पे इजीली अब जो लोग हैं अपनी जो शिकायतें हैं डायरेक्टली CM को जो है कह लीजिए कन्वे कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। किस देश की खिलाड़ी लिंडा फ्रूवर्टोवा, ठीक है, ये इनका नाम है देख लीजिए, तो ये WTA चेन्नई ओपन टेनिस 2022 का जो अभी रिसेंटली ये खेलों का आयोजन हुआ है, तो इसमें जो है इन्होंने खिताब जीता है, तो वुमेन्स सिंगल में जो है ये इनका नाम है जो लिंडा फ्रूवर्टोवा है, ये चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं, 17 वर्षीय एक प्लेयर हैं, इन्होंने इस खिताब को जीता है और इन्होंने पोलैंड के खिलाड़ी को हराया था, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, और चेन्नई में ये ओपन टेनिस हुआ है इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया, ठीक है, तो एक संस्थान है ऑक्सफार्म इंडिया, ठीक, डी ऑप्शन, इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट, और इसमें बेसिकली इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि जो स्पेशली वुमेन है और जो भी मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी या कम्युनिटीज़ है भारत में, जो स्पेशली जो जॉब मार्केट है, जो मतलब किसी स्थल पे कार्य करने जाती हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव जो है इन सब का सामना करना पड़ता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया, ठीक है, तो इंडिया की तरफ से जो है ऑस्कर्स में नॉमिनेट किया गया है ये फिल्म जो है 2023 के लिए छेल्लो शो, ठीक है, डी ऑप्शन, ये बेसिकली एक गुजराती फिल्म है। हाल ही में किस देश ने नान माडोल, ठीक है, ये नाम है,
तो इस तूफान के चलते एक स्पेशल यानी कि विशेष चेतावनी जो है जारी की है। ठीक है, तो जापान में आप देखेंगे ये जो आपका क्यूशू आइलैंड है ना, तो उसका जो साउदर्न पार्ट है वहां पे इसको हिट करने का जो है आशंका है। तो इस वजह से यहाँ पे पहले ही इसको वार्निंग इशू की गई है। तो नान माडोल नाम रखिए ध्यान, ये आने वाले दिनों में जो है जरूर पूछा जाएगा आपसे। हाल ही में ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है, ये देखिए एक प्रोग्राम का नाम है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, इसको किस देश ने शुरू किया है। ठीक है, तो बेसिकली जो एक देखिए अमेरिका यानी कि यूएस के द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ का एक डिपार्टमेंट ही कह लीजिए, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये और भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ ये एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज है, इन दोनों के जो है अभी रिसेंटली जॉइंटली ये प्रोग्राम शुरू किया गया है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। और ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो भारत में जो है जितने भी जंगल के क्षेत्र हैं उनके आउटर एरियाज में जो ट्री कवर है उसको बढ़ाया जा सके, और जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और इस तरीके की घटनाएं हैं उन सबको कम करने की दिशा में है ना इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो ध्यान रखेंगे इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से सबसे बाद में स्थापना जो है किसकी हुई है, यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस लिखे हैं। तो देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया जो है ये 1920 का फाउंडेशन है, BHU 1916, गुजरात विद्यापीठ जो अहमदाबाद में है ये भी 1920 में फाउंड की गई थी, जो ये काशी विद्यापीठ है वाराणसी, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये 1921 का फाउंडेशन है इसका। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो मगध के बाद देखेंगे आपको जो है यहाँ पे मतलब नंद वंश के बाद मौर्यन का टाइम पीरियड है। ठीक है, और मौर्यन के बाद जैसे फिर यहाँ पे शुंग आ जाते हैं पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, तो कुछ ऐसे क्रम है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। बराबर की गुफाओं का उपयोग निम्नलिखित में से किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, ठीक है, तो शेल्टर के रूप में बराबर केस जो आपका ये बिहार में स्थित है, ये मॉडर्न टाइम पीरियड में जो है जिसको बिल्ड किया गया, तो ये यहाँ पे इसको उपयोग किया है ये इसने आजीविकों ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आजीविकों के बारे में आप ये जानें कि जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म था तो उसी प्रकार का एक सेक्ट था जिसको कि फाउंड किया था मक्काली घोष ने। ठीक, ये नाम याद भी रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है वेद त्रयी में शामिल नहीं है, ठीक है, तो वेद त्रयी भी हमने पहले आपको कई बार बताया है, ये क्या होता है जरा कमेंट करके बताइए। ठीक है, और वेद त्रयी में शामिल नहीं है अथर्ववेद, ठीक, बाकी के तीन शामिल हैं। कॉन्सेप्ट बताइए क्या होता है। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख जो है कहाँ मिला है ये बताना है, तो देखिए जो ये हाथी गुम्फा लेख है इंस्क्रिप्शन ऑप्शन ए में ये करेक्ट हो जाएगा। इससे संबंधित यहाँ पे जो है सबसे कह लीजिए ओल्डेस्ट जो मेंशन है मूर्ति पूजा का जैनिज्म में यहाँ से मिलता है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन पे जो है मतलब 2018 में UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में कि कौन सा जो किंग है उसके बारे में यहाँ से मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है हाथी गुम्फा से। तो ध्यान रखेंगे कि जो ये आपका कलिंग रूलर था खारवेल, ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, कहाँ पे स्थित है उदयगिरी केव्स में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स को ध्यान रखना है। बौद्ध मत के उप संपदा पद से क्या तात्पर्य है ये बताना है। ठीक है, तो बुद्धिज्म में आप देखेंगे कि जो लोग जैसे बौद्ध भिक्षु जैसे शुरू करते हैं अपना जीवन, ठीक है, तो मॉन्क बनते हैं लोग इस तरीके से, तो जो फाइनल कह लीजिए अंतिम अवस्था है बौद्ध भिक्षु के धर्म के परिवर्तन होने की, उसको ही बोलते हैं उप संपदा। ठीक, तो ये टर्म ध्यान रखेंगे, ये पहले भी पूछा गया है आपसे। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है, एक ये कह लीजिए पुस्तक है। ठीक है, तो इसमें कहाँ से कहाँ तक की समुद्री यात्रा का वर्णन जो है वो करता है ये पुस्तक, ये बताना है हमको। तो देखिए रेड सी से इंडियन जो ये मतलब इंडिया तक जो इंडियन ओशन का एक तरीके से कह लीजिए रीजन है, तो यहाँ तक की यात्रा समुद्री यात्रा का वर्णन जो इजिप्शियन कह लीजिए ट्रेडर्स वगैरह एंशियंट टाइम्स में आपका जो है मतलब 1st century BC के आसपास जो यहाँ पे ट्रेड करते थे उनके बारे में ये जो है डिस्क्राइब किया गया है इस पुस्तक में, और इसके लेखक थे विलियम एच शॉफ करके। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है ये लिखा गया था, ये पुस्तक का नाम है, तो इसको भी ध्यान रखिए।
देवदासी प्रथा निम्नलिखित में से किस काल में आम बात थी, यानी कि प्रीवेलेंट थी ये कंडीशन देवदासी बनने की। ठीक है, तो देवदासी की प्रैक्टिस बेसिकली ये होता था कि जो कुछ यंग गर्ल्स होती थी, ये इसमें जो है वो किसी देवता से जो है कह लीजिए अपने आप को ऐसा मानती थी कि उन्होंने शादी कर ली है, और उसके बाद जो है वो टेम्पल्स के केयर टेकर के रूप में और जो वहाँ के और डे टू डे फंक्शंस हैं उसका अपने जीवन भर जो है उसको परफॉर्म करती थी। ठीक है, तो ये सब जो प्रीवेलेंट कंडीशन थी ये विजयनगर का जो टाइम पीरियड है विजयनगर डायनेस्टी में यहाँ का है। निम्नलिखित में से वृक्ष और उनके यहाँ पे प्राप्ति होना चाहिए, हिंदी में थोड़ा अशुद्ध है, तो इसके प्राप्ति क्षेत्र की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो देवदार के वृक्ष होते हैं ये बेसिकली हिमालयन जो स्टेट्स है ना यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे मिड गैंगेटिक प्लेन दिया है, ये गलत है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी पूर्वानुवर्ती अपवाह नहीं बनाती है। ठीक है, तो देखिए रिवर सिस्टम आप जब पढ़ते हैं ड्रेनेज सिस्टम रिवर का, तो वहाँ पे आप दो तरह की नदियों के बारे में पढ़ते होंगे इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे, एंटीसीडेंट ड्रेनेज रिवर सिस्टम और एक होता है कॉन्सिक्वेंट रिवर सिस्टम। तो जो हिमालयन रेंजेस में आप देखेंगे बेसिकली हिमालयन जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण जो हिमालयन रेंजेस का अपहीवल हुआ, जो जितनी भी रेंज हैं, तो उससे पहले से जो नदियाँ यहाँ पे स्थित हैं उनको यहाँ पे एंटीसीडेंट रिवर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे आपका इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये सब। ठीक, गोदावरी जो है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर है जो कि एक जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो को फॉलो करती हैं, उनको यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट रिवर्स सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये एंटीसीडेंट रिवर का भाग नहीं है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष अन्य के अपेक्षा में जो है अधिक प्रतिशत होता है कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन जो है अगर जितने भी टाइप ऑफ कोल होते हैं हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल जो पाया जाता है एंथ्रासाइट में पाया जाता है। ठीक है, इसको हार्ड कोल की भी संज्ञा दी जाती है, मतलब जो है ऑप्शन हम यहाँ से डी को चूज करेंगे। सीमेंट उत्पादन कारखाने और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो डालमिया नगर है जो है आपका बिहार में है। ठीक, सेंसस 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है कौन सा रहा था, तो पिछले सेंसस की तुलना में अगर कंपेयर करें, चूंकि सेंसस 2011 का ही आंकड़ा अभी हमको फॉलो करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो कुरुंग कुमे है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इसने डिस्ट्रिक्ट ने जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को रजिस्टर किया था, अराउंड पिछले आंकड़ों की तुलना में 111% जो है वृद्धि थी यहाँ पे। जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप जैसे पूजा का कपूर जो होता है, ठीक है, कैम्फर, उसको समझ सकते हैं। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इस विलयन का पीएच मान जो है कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम ये पीएच वैल्यू वगैरह के सेंस में जो टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं, तो देखिए जो ब्लू लिटमस है अगर उसका उस पर आप कोई विलयन को डाल रहे हैं तो उसका कलर क्या हो जा रहा है, लाल। ठीक है, तो ऐसे में जो पीएच स्केल होगी उसकी 7 से कम होगी यानी कि वो बेस मतलब एसिड साइड होगा। ठीक है, जो विलयन है वो अम्ल है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं चूंकि उसमें अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस होती हैं, तो वहाँ पे जो है उसको कह लीजिए ये विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में हम यूज़ करते हैं भारी जल, हिंदी में आप जानते होंगे। ठीक है, तो हैवी वाटर उसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, D2O। गन मेटल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये भी कई बार आपसे पहले पूछा गया है। इसमें देखिए बेसिकली इसमें एक ये एलॉय होता है कॉपर, टिन और जिंक का। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो करीब 88% के आसपास कॉपर होता है, ये 10% के आसपास टिन, ठीक है, और 2% वही बचा हुआ जो है जिंक। नरसिम्हन समिति का संबंध इसमें से जो है किस विषय से है ये बताना है, तो 1991 में आरबीआई के गवर्नर थे जो है एम नरसिम्हन। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई और बेसिकली जो बैंकिंग सेक्टर के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे, है ना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कह लीजिए, उसके संबंध में सुधार देने के लिए इसको अपॉइंट किया गया था। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है,
तो ये जो है अनाउंस किया गया था केरला गवर्नमेंट के द्वारा कि वहां पे जो है एक जगह है थ्रिसर, ठीक है, उसमें इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। आपको याद होगा कि कोविड के ईयर में ही एक डिजिटल यूनिवर्सिटी जो भारत की पहली है उसको वहां पे सेटअप किया गया था इन द स्टेट ऑफ केरला। तो उसमें अब यहां पे ग्राफीन नवाचार जो केंद्र है तो वो डिजिटल यूनिवर्सिटी और इसके अलावा टाटा स्टील लिमिटेड और एक और संस्थान है सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी करके सीमेट है ना, तो ये तीनों के द्वारा ज्वाइंटली जो है इसको सेटअप किया जाएगा, ठीक, केरल में थ्रिसर के अंदर। तो आपको ये बताना है कि ग्राफीन क्या होता है, ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, कमेंट करके बताइए जरा। अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, ठीक है, एक बेसिकली कैटेगरी है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मीजर, ठीक है, तो उसके एक स्थल के रूप में उसको घोषित किया गया है। ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। आपको यहां पे दो क्वेश्चन बताने हैं, बेसिकली इसको घोषित किया गया था 2022 में वर्ल्ड वेटलैंड डे जो होता है इस दिन, ठीक, तो ये वेटलैंड डे कब होता है ये बताइए, और दूसरा OECM जो है ये किस संस्था के द्वारा कह लीजिए डिक्लेयर किया गया है ये बताना है, हमने पहले भी आपको ये बता रखा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से CSIR जो एक हमारा है ना काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एक ये और दूसरा IIIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, एक ये संस्थान है जो कि जम्मू में स्थित है, ठीक है, तो इनका एक अरोमा मिशन जो है इसको चलाया गया, तो उसके अंतर्गत लैवेंडर की खेती के लिए एक बैगनी क्रांति जो है इसको एक हिस्से के रूप में कहाँ शुरू किया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में ये शुरू किया गया है, पर्पल रिवोल्यूशन इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, और यहाँ पे लैवेंडर जो पुष्प होता है, ठीक है, उसकी खेती जो है इसमें की जाएगी, तो सी ऑप्शन को चूज करेंगे। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT ने किसानों को कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए किसान नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसको लॉन्च किया है, ठीक है, तो ये मौसम संबंधी जानकारी इसके माध्यम से आसानी से प्राप्त की जा सकेगी और इसको लॉन्च किया है IIT रुड़की ने। निम्नलिखित में से कौन से कथन देखिए सही हैं, ठीक है, तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी कि जो जियोलॉजिकल पार्क होते हैं, ठीक है, उसको कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनाया जाएगा, ठीक है, तो लम्हेटा जो है ये नर्मदा नदी वहाँ पे है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसके किनारे वहाँ पे इसको जो है आपका जो है सेटअप किया जा रहा है इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क, ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि मणिपुर के तमेंगलोंग जिला एक है वहाँ पे, तो उसके रानी गैदिनलिउ रेलवे स्टेशन पर अभी हाल ही में पहली बार आज़ादी के बाद से अब तक पहली बार जो है वहाँ मालगाड़ी पहुँची है, ठीक है, तो रेल कनेक्टिविटी अब फ्रेट ट्रेनों की भी वहाँ पे शुरू हो गई है। रानी गैदिनलिउ के बारे में हमने आपको बता रखा है, कौन है ये बताइए जरा कॉमेंट करके, ये कथन भी ठीक है, हम दोनों को जो है चूज करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का जो देश है इन्होंने अपनी आय में विविधता लाने के लिए किस वर्ष के मध्य से व्यापार लाभ पर एक फेडरल कॉरपोरेट टैक्स है ना, एक तरीके का नया टैक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है फेडरल कॉरपोरेट टैक्स, तो इसको शुरू करने की घोषणा की है UAE ने, तो ये ध्यान रखेंगे और ये जो है इफेक्टिव हो जाएगा 1 जून 2023 से, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ तक हमने आज का वीडियो कंप्लीट किया है, सारे क्वेश्चंस देखे हमने जो आपसे पूछे हैं, प्लीज़ उसको आंसर कीजिएगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।